पर्यटन नगरी खजुराहो में यूनाइटेड फोरम फॉर पावर एम्प्लॉयज एंड इंजीनियरिंग की प्रदेश कार्यकारिणी के द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया गया। इसमें यूनाइटेड फॉर एंड पावर एम्प्लॉयज एंड इंजीनियर्स संशोधन अधिनियम 2021 के विरोध और ड्यूज इत्यादि को 15 जुलाई तक मांगों के निराकरण का आश्वासन मिलने पर भी कोई सकारात्मक निराकरण न होने के चलते कर्मचारियों में असंतोष है, जिसके तहत बताया गया कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं होती तो आने वाले 10 अगस्त को 1 दिवसीय, 24 अगस्त को 3 दिवसीय और 6 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर कार्य का बहिष्कार किया जाएगा। मांगों के संबंध में चर्चा की थी और उन्होंने 15 जुलाई तक आश्वासन दिया था कि इस पर सकारात्मक निर्णय लिए जाएंगे, परंतु आश्वासन मिलने के बाद ही कोई सकारात्मक निराकरण न होने से कर्मचारियों में असंतोष व्याप्त है, जिसकी वजह से यह बहिष्कार ऑल इंडिया पावर एम्प्लॉयज एंड इंजीनियर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी के आह्वान पर संपूर्ण देश में की जा रही है। मध्य प्रदेश ही नहीं, संपूर्ण देश में की जा रही है। यूनाइटेड फोरम फॉर पावर एम्प्लॉयज एंड इंजीनियर्स की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में लिए गए निर्णय पर आज दिनांक 19/7/21 को सायं 4 बजे से 6 बजे तक के लिए कार्य का बहिष्कार किया गया है। अब छतरपुर शहर के नन्हे मुन्ने बच्चों को मिल गया है अपनी पसंद का स्कूल। नगर के प्रतिष्ठित महाराजा ग्रुप एवं समाज सेवी अरविंद गोस्वामी की नई प्रस्तुति महाराजा पब्लिक स्कूल प्ले ग्रुप, क्लास प्ले, नर्सरी, KG 1, KG 2 में प्रवेश की सुविधा। हमारी सुविधाएं जो सिर्फ बच्चों के मम्मी पापा को ही नहीं बल्कि बच्चों को भी अपना बना लेंगी। आधुनिक कक्षाएं, कैमरा युक्त विद्यालय, फ्री इंटरनेट सुविधा, बच्चों के लिए पार्क, GPS सहित वाहन सुविधा, बच्चों को मनोरंजन हेतु खिलौने, एकदम नई और भव्य इमारत, हवादार कक्षाएं, सुंदर साज सज्जा के साथ बच्चों के लिए एक किड्स जोन भी। इतना ही नहीं, बच्चों को मदर टीचिंग का अनुभव देने वाले कुशल शिक्षक और शिक्षिकाएं। तो देर किस बात की, अपने बच्चे के लिए इस वर्ष चुनिए एक भरोसेमंद और सुरक्षित महाराजा पब्लिक स्कूल, प्ले ग्रुप, नर्सरी, KG 1 और KG 2 में प्रवेश प्रारंभ। हमारा पता है महाराजा गार्डन के पास नारायणपुरा रोड, बस स्टैंड, छतरपुर।